एनालिसिस। चुनाव का मौसम है, किडनी की बीमारी की वजह से वित्त मंत्री अरुण जेटली भले ही प्रचार से दूर हों, लेकिन अपने ब्लॉग के जरिए वो लगातार विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो वंशवाद को लेकर कांग्रेस के खिंचाई हो या एसपी बीएसपी जैसी पार्टियों की कास्ट पॉलिटिक्स हो। अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए अपनी बेबाक राय रखी है। इस कड़ी में अ कन्वीनियंट सीजन फॉर बीइंग अ प्राउड हिंदू नाम से लिखे ब्लॉग में उन्होंने राहुल गांधी और उनके सिपहसालार दिग्विजय सिंह पर करारा हमला बोला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि बहुसंख्यक को कोसने वाले अब खुद के हिंदू होने पर गर्व का दावा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कोई अपनी दादी माँ की जाति अपना सकता है कि नहीं, इस पर विस्तार में गए बगैर कांग्रेस ने अचानक अपने अध्यक्ष राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण करार दे दिया, बल्कि उन्हें अब शिव भक्त भी घोषित कर दिया गया है। अरुण जेटली ने लिखा है कि राहुल गांधी अब मंदिरों में जाने का मौका नहीं गंवाते और इसका प्रचार करने से भी नहीं चूकते। वित्त मंत्री ने लिखा है कि 2004, 2009 या 2014 में राहुल का धार्मिक रुझान कभी नहीं दिखा। राहुल गांधी ही नहीं, ब्लॉग में जेटली ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह बहुसंख्यक हिंदुओं को कोसने में कुख्यात हैं। जेटली ने लिखा कि दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि यूपीए सरकार के दौरान हुई बटला हाउस मुठभेड़ फर्जी है। यही नहीं, दिग्विजय ने इस हमले में शामिल आतंकवादियों के समर्थन और सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियान भी चलाया और मारे गए और गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के परिजनों से मिलने आजमगढ़ भी चले गए। और जब इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ तो दिग्विजय के पास जवाब नहीं था। दिग्विजय सिंह हिंदू आतंक का सिद्धांत गढ़ने का पेटेंट भी अपने पास रखते हैं। इस पूरे सिद्धांत का पर्दाफाश होने तक वो इसे अतार्किक निष्कर्ष पर ले गए। आज मतदाताओं के गुस्से को देखकर दिग्विजय को हिंदू होने पर गर्व होने लगा है। अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। जेटली ने लिखा है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन करने वाली आम आदमी पार्टी की एकमात्र महिला उम्मीदवार अब अपने धर्म और जाति की जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। अरुण जेटली ने लिखा है कि भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव ने मिडिल क्लास की अपेक्षाएं बढ़ाई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा उसके लिए बड़ा मुद्दा है, उसकी धार्मिक निष्ठा है, लेकिन ये वर्ग सांप्रदायिक नहीं है और ना ही बहुसंख्यक हिंदू धर्म निरपेक्षता के नाम पर खुद को कोसना अब बर्दाश्त करेगा। यही वजह है कि अचानक सबको अपना धर्म याद आ रहा है। हिंदुओं को कोसने वाले अब खुद अपने धर्म को चस्पा कर चल रहे हैं। आखिरकार चुनाव ऐसे नए पलटुओं के लिए सुविधाजनक मौसम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।